गाइस क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। यार पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पे सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो पता है कौन सी है? ना ही वो गॉड ऑफ वॉर 5 के बारे में, ना ही प्लेस्टेशन 5, ना ही एक्सबॉक्स सीरीज एक्स। वो वीडियो है क्यू एन ए वीडियो। तो भाई क्यू एन ए वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन रुको, इससे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में हैश टैग क्यू एन ए के साथ अपने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दो। वीडियो को एंड तक जरूर देख लो इस एपिसोड को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ट्विस्ट जिसके थ्रू ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इसके नीचे कमेंट मत करना कोई भी हैश टैग क्यू एन ए, प्लीज वॉच टिल एंड। इसी के साथ शुरू करते हैं गेमिंग न्यूज का ये एपिसोड नंबर 186। लेट्स गो। तो यार सबसे पहले न्यूज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्या कन्फ्यूजन हो गया मेरी परसों वाली वीडियो GTA 5 को लेकर। यार इतना कन्फ्यूजन क्यों है? देखो सिंपल सी बात है, GTA 5 अवेलेबल है एपिक गेम स्टोर पे 21 मई तक। अब इसको लेकर इतने सारे कन्फ्यूजन, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछ रहे हैं कि 21 तक है या 21 जून तक है। कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया किसी के नीचे कि 21 जून तक है, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई 20। देखो यार मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। 21 मई मतलब कुछ ही दिन रह गए हैं, 4-5 दिन रह गए हैं, तब तक वो गेम वैलिड है। आप एपिक गेम स्टोर पे जाके इसको क्लेम कर सकते हो फॉर PC यूजर्स ओनली, PS4 Xbox One वालों के लिए नहीं है वो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यार देखो, अगर आपके पास अभी PC नहीं है, जो लोग अभी कह रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि यार PC नहीं है हमारे पास, हम PC बाद में बनवाएंगे, अभी लॉकडाउन में हम PC नहीं बनवा सकते, तो हमारे हाथ से तो ये प्रीमियम एडिशन चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने मोबाइल पे जाओ, ठीक है, मोबाइल पे एपिक गेम्स की वेबसाइट पे जाओ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके फ्री में अकाउंट बनाओ, उस गेम को क्लेम करके ओन करके अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लो, उसके बाद अब उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। 21 के बाद मतलब आपके पास ही रहेगी वो हमेशा के लिए, लेकिन क्लेम आपको 21 से पहले पहले करना है। आप अपने मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो, और उसको बाद में जब आप PC ले लोगे या PC को अपग्रेड करा लोगे तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो एपिक गेम स्टोर लॉन्चर से। दूसरी न्यूज़ आ रही है PlayStation 4 पर रिलीज होने वाली एक एक्सक्लूसिव को लेकर, और नहीं मैं द लास्ट ऑफ अस 2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गोस्ट ऑफ सुशीमा की। नया 18 मिनट्स का नया गेम प्ले आ चुका है भाई, क्या गेम प्ले है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस समय आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यार इस गेम के अंदर ना ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल है, मतलब ये PlayStation 5 लेवल के ग्राफिक्स लग रहे हैं मुझे तो। और इस गेम के अंदर नेविगेशन का सिस्टम जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर नॉर्मल नेविगेशन आपको देखने को नहीं मिलने वाली, कोई वे पॉइंट नहीं होगा या मैप के ऊपर आपको बताया नहीं जाएगा, मैप के ऊपर शायद बताया जाए, लेकिन आपको ऑन स्क्रीन हर्ट के अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि कहाँ जाना है। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है, बहुत ही इंटरैक्टिव सिस्टम, कि आपको जो विंड है, विंड आपको बताएगी डायरेक्शन किस तरह से आपको किस तरफ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है। तो बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है, आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी अगर आप इस 18 मिनट के गेम प्ले को देखोगे। तो इस गेमिंग न्यूज के एपिसोड के देखने के बाद प्लीज उस गेम प्ले को जरूर देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 से रिलेटेड। यार आप लोगों से एक सजेशन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, पहले तो मुझे यह बताओ कि क्या आप मिडनाइट लॉन्च देखना चाहते हो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की, क्योंकि यार देखो लॉकडाउन का भी सिचुएशन ये है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा कब नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, शायद जब तक ये वीडियो आ रही है तब तक शायद लॉकडाउन से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए। लेकिन अगर लॉकडाउन खत्म नहीं होता तो क्या आप लोग आना चाहोगे? तो क्या आप लोगों को लगता है कि मिडनाइट लॉन्च करना चाहिए इसका जून के अंदर? मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, क्योंकि स्पेशली दिल्ली के अंदर केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मुझे आप लोगों की सजेशन चाहिए कि क्या अभी मिडनाइट लॉन्च करना सही होगा या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब जो लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एपिक गेम्स की तरफ से आए PlayStation 5 के डेमो के बारे में। अब बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हैं कि क्या ये डेमो प्लेएबल होगा ऑन Xbox सीरीज X। पहली बात तो ये शायद ये प्लेएबल गेम नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से आप लोगों को बताने के लिए है कि अनरियल इंजन 5 क्या कैपेबिलिटीज हैं उसकी, वो क्या कर सकता है अभी स्टार्टिंग फेज में नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल्स के साथ। एक चीज़ यहाँ पे एपिक गेम्स के डेवलपर्स ने कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर जो लूमन जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है वो डेफिनेटली काम करेंगी Xbox सीरीज X के साथ, लेकिन यही डेमो आपको Xbox सीरीज X पे और PC पे चलता हुआ देखने को मिलेगा, इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि एपिक गेम्स ऑप्टिमाइज कर सकता है, एपिक गेम्स के पास जो इंजन है अनरियल इंजन 4 वो मेरे ख्याल से Xbox सीरीज X, PlayStation 5 और PC तीनों के लिए ऑप्टिमाइज हुआ होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आपको यही डेमो Xbox सीरीज X के लिए भी देखने को मिले और PC के लिए भी देखने को मिले। और अब भाई लास्ट में आ जाते हैं Q&A वीडियो से रिलेटेड, जो मैं बात आपको बताने वाला था कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। देखो आपको करना कुछ नहीं है,
मेरे दूसरे चैनल इंडियन सोल्जर स्ट्रीम्स पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अगेन और आई बटन पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो है मेरी फोर्टनाइट की वीडियो। वहाँ पे जाके आपको सिंपली उस वीडियो के नीचे, किसी भी वीडियो के नीचे आपको #Q&A के साथ अपना क्वेश्चन पूछना है, उसको मैं पिक करूंगा। और हाँ, आपको सब्सक्राइब भी करना है मेरे दूसरे चैनल को। अब जो भी Q&A वीडियोज आया करेंगी वो मेरे दूसरे चैनल पे जो क्वेश्चंस होंगे उनसे मैं उठाऊंगा और उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे फीचर करूंगा। तो प्लीज गो टू माय नेक्स्ट चैनल इंडियन सोल्जर स्ट्रीम्स, उस पर जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछो और वहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करके अपने Q&A वीडियो में आपका क्वेश्चन मेंशन करूंगा। तो दैट्स इट गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना नीचे जो मैंने क्वेश्चन बाकी के आपसे पूछे, Q&A वाला नहीं, जो बाकी की चीजें मैंने आपसे पूछी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।